हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है श्रेय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हम, जैसे कि एम्स नॉर्सेट के बारे में हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। अगर आप एम्स नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस बार जो सिलेबस नहीं बट जो पैटर्न है एम्स नॉर्सेट का, वो थोड़ा चेंज हुआ है। इस बार आपको एम्स में सिलेक्शन दो फेज़ में होगा। एम्स की एग्ज़ाम है, एम्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर उसके बाद है सेकेंड एम्स की मेंस एग्ज़ाम। तो दोनों भी एग्ज़ाम्स क्रैक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एम्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की, तो 17 सितंबर को वो एग्ज़ाम है, फर्स्ट फेज 17 सितंबर को है और आज है डेट 4 सितंबर। सो लगभग 12 से 13 दिन बाकी है, 12 to 13 days है यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अभी तक प्रिपेयर करते आए हो, दैट्स गुड। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी क्या करें, 10 दिन में क्या करें। तो दो चीज़ें हैं जिसे मैं अपना गुरु मंत्र बोलूँगा कि वो आपको करने हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि अगर आप ये करो तो डेफिनेटली आपका क्रैक हो जाएगा। नहीं, इस चीज़ को अच्छे से करना, फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको रेगुलरली मतलब अच्छे से करते हो, जैसे कि स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं, फिर उसके बाद अच्छी सी मेहनत और फोकस के साथ अगर आप कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में एलिजिबल डेफिनेटली हो जाओगे। अगर प्री में एलिजिबल हो जाते हो देन आप मेंस दे सकते हो, मेंस में अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो फिर आपका जो सपना है कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर जॉब करना, तो वो डेफिनेटली कंप्लीट साकार हो जाएगा। तो देखते हैं कि वो दो कौन से मेरी तरफ से मंत्र है या फिर दो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए दैट विल हेल्प यू टू पास योर एम्स नॉर्सेट प्री एंड मेंस एग्ज़ाम। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम सिर्फ 12 से 13 दिन बाकी है, ये सिर्फ 12 to 13 days अभी हमारे पास पेंडिंग है। अब ये एक ऐसा टाइम है कि यहाँ पर आपको न्यू प्रिपरेशन या फिर न्यू टॉपिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग करनी है, वो है रिवीजन करनी है। और ये रिवीजन के लिए हमारे पास कई सारे बुक्स होते हैं, आपके पास होंगे, जैसे टारगेट हाई की कुछ बुक्स अगर आपके पास है, टारगेट हाई की बुक है तो वो यूज़ कर सकते हो, पीआर यादव की बुक है तो वो यूज़ कर सकते हो, सॉन्डर्स की बुक है तो वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो लिंक यूज़ करके आप बाय कर सकते हो। लेटेस्ट एडिशन जो है अमेज़ॉन की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो इन बुक्स से आप जो भी जैसे कि टारगेट हाई में कुछ जो आपको स्टडी के लिए जैसे लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, रिव्यू नोट्स, तो वो नोट्स मिलेंगे आपको, तो उन नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो। इससे जो आपके बेसिक जो भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। सो फॉर बेसिक कंसेप्ट ये आप यूज़ करिए। और इसमें जो जैसे कि हमारा सिलेबस होता है, टेक्स्चुअल कंटेक्स्ट जो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए कंसेप्ट मैप है या फिर टेक्स्चुअल नोट्स, तो वो यहाँ पर आपको इस बुक में टारगेट हाई में मिल जाएगा। इवन पीआर यादव और सॉन्डर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी डीप है बट टारगेट हाई से आप कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपको करनी होती है वो है टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है उसको टेस्ट करना। अब इसको टेस्ट, ये आप कैसे टेस्ट कर पाओगे कि भाई मेरा इतना प्रिपरेशन हुआ है, मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ और क्या करने की ज़रूरत है, प्लस माइनसेस क्या है मेरे इस प्रिपरेशन में, स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये जो पब्लिकेशंस है इनमें आपको कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, बट क्योंकि आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, तो हम आपको चांस देंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज आपको खुद के टेस्ट प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, जो कि सेम काइंड ऑफ होनी चाहिए जैसे कि ऑनलाइन होनी चाहिए। तो आप
हमारा जो ऐप है मेडिकेमी, उसमें हमने नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए कुछ टेस्ट सीरीज, अराउंड 59 समथिंग टेस्ट सीरीज है, 50 ही पकड़ लो टेस्ट सीरीज है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और सिर्फ 50 ही नहीं, अगर टोटल बोले तो 396 के आसपास कुछ टेस्ट है जो आपको मिल सकते हैं, और प्राइस सिर्फ 50 टेस्ट का ही प्राइस हमने लगाया है, और वो पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए ही है। अभी क्योंकि टीचर्स डे आ रहा है तो उसकी वो ऑफ़र है, अगर आप आज ही वो ले लेते हो तो आपको 200 रुपीज़ ऑफ में मिलेगा, मतलब 599 इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगा, इसके बाद ये 799 या फिर इसके भी ऊपर ये प्राइस जा सकता है। अब ये टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा, जैसे मैंने बताया चैप्टर वाइज कि कौन सा अगर आपको चैप्टर लगता है, या फिर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि MSN है तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऑब्स्टेटिक्स है, तो ये इसी के साथ ये दो तो चीज़ें तो है ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस पिछले बार कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट, कुछ मॉडल टेस्ट भी है, सैम्पल टेस्ट या फिर मॉडल टेस्ट, जो कि आपको आप लगा सकते हो उतना टाइम, और उस टाइम में आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको एक एक्सपीरियंस देगा एग्ज़ाम का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने परफॉर्मेंस को, आपके प्रिपरेशन को आप एनालाइज कर पाओगे कि कितना प्रिपरेशन मेरा बाकी है। एंड ये एक अदर मेथड है कि आपका प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, कि ठीक है आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट तो आपका हुआ है, या फिर जो होना है वो हो गया है, अब एग्जैक्टली कितना हुआ है तो वो आप इन टेस्ट सीरीज से आपको समझ में आएगा। एंड टेस्ट सीरीज लेना है, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टेस्ट सीरीज़ है, वो आपके लिए वन ईयर का आपको जो उसका एक्सेस टाइम मिलेगा, वन ईयर का ड्यूरेशन है, ठीक है, उसकी एक साल की वैलिडिटी है। तो मतलब अगर आप प्री एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी नॉर्सेट प्रीलिमिनरी अगर पास कर लेते हो, मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, यही आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। एक और चीज़, इसका एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर आप DHS DMER एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट PGI की एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, RRB जैसे एग्ज़ाम्स है, और बाकी अन्य जो एग्ज़ाम्स है उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस टेस्ट सीरीज में इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, इसका जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, वो आपको इन सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली आपके जो चांसेस है उसको 50% से डेफिनेटली बढ़ाएगा टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमने इस टेस्ट सीरीज़ में दिए, देखो मॉक टेस्ट लेना, टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि पहले रिवीजन करना, और अभी जो टाइम है ना, ये टाइम है युद्ध भूमि के लिए अपने आप को शार्प करना, जैसे कि ये जो नॉर्सेट एग्ज़ाम है काइंड ऑफ वॉर है, तो इस वॉर के लिए अभी आपको नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके टैक्टिक्स है उसको शार्प करिए, जो भी आपने टैक्टिक्स बनाए हैं उसको अभी शार्प करने का टाइम है, तो वो आप रिवीजन के थ्रू कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, उसको टेस्ट करने, जैसे प्रैक्टिस, जैसे अभी हमने देखा हमारा इंडिया ने एवरीबॉडी फेल्ड प्राउड, Chandrayaan-3 हमने लॉन्च किया, फिर उसके बाद Aditya L1 वो हमने लॉन्च किया, तो वो कैसे, उसके पहले कई सारे उनके टेस्ट हुए, सेम चीज़ है, उसका और एग्ज़ाम का कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क है, और हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए हम भी हार्डवर्क करते हैं, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, एग्री, लेकिन जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले टेस्ट अगर हम लेते हैं तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, मतलब हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। सो ये टेस्ट सीरीज़ आपको उस चीज़ के लिए हेल्प करेगी, अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करोगे, इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको एक्सपीरियंस आएगा, आप आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे, कितना प्लस पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ्स और वीक्स आपको समझ में आएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ आप एग्जामिन कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। एंड दिस इज़ हाउ आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो भी चांसेस है
वो 50% से डेफिनेटली बढ़ते हैं जब आप टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाते हो वो लेते हो। सो दैट्स इट, ये दो तरीके हैं, एक आप रिवाइज करिए, अभी जो टाइम है वो रिवीजन का है, सेकंड मॉक टेस्ट लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए, वो टेस्ट सीरीज आप आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे चला सकते हो, आप चाहे जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे बैठ के आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू एंड डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर परफॉर्मेंस। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। अगर आपके कोई डाउट है इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के बारे में, नॉर्सेट के बारे में, तो हमें आप हमारे साथ आप बात कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, हमारी टेलीग्राम चैनल हमने स्टार्ट किया है तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो अपडेट्स है, अभी थोड़ा स्लो है वो चैनल, लेकिन धीरे धीरे हम उस पर काफ़ी सारे अपडेट्स जो होते हैं एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग और कई सारे चीज़ें, तो वो उस पर हम देते रहेंगे। सो वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा ब्लॉगिंग चैनल हमने स्टार्ट किया है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माय लाइफ तो डेफिनेटली आशीष गायकवाड़ लाइफ, ये हमारा ब्लॉग चैनल है, तो उसको भी सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें। एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर ऊपर वो ब्लॉग चैनल का लोगो मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।